डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम क्नाइडेरिया की क्लास एंथोज़ोआ के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के मेम्बर्स जो हैं या तो ये कॉलोनियल शेप में रहेंगे या ये अकेले अकेले भी रह सकते हैं और उसको हम कहते हैं सोलिट्री टाइप ऑफ एक्जिस्टेंस या इनके अंदर मैडूसा मौजूद नहीं होगा या समटाइम्स मेडूसा जो है उसकी अपेरेंस हो भी सकती है इसके अंदर जो कॉमन एनिमल है वो है सी एनीमून। सी एनीमून जो है ये सॉफ्ट और स्टोनी कोरल्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं एंथोजोआ जो हैं ये नॉर्मली मेरीन एनिमल्स हैं और मेरीन एनवायरनमेंट में ये क्वाइट डेप्थ में हमें नज़र आएंगे सरफेस के ऊपर हमें कोई भी एनिमल इनका नज़र नहीं आएगा एंथोजोआ के पॉलिप जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द क्लास हाइड्रोजुआ किस तरह से इन थ्री अस्पेक्ट्स नंबर वन ये जो माउथ है एंथोजआ का दिस लीड्स टू द फेरिंग्स फेयरिंग्स क्या है दैट इज एन इमेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल एंड देन इट लीड्स टू द गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अब यहाँ पर आपने देखा है कि फेरिंग्स की अपीरेंस जो है दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास क्राइडेरिया फिर है मिजेंट्रीज मिजेंट्रीज क्या है मेम्ब्रेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद अनदर अब मेजेंट्रीज जो हैं दे नॉर्मली बीयर द सेल्स जिसको हम कहेंगे कनाइडोसाइड और गोनेड्स इसके और फ्री एजिस पे होंगे एंड दे डिवाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन टू डिफरेंट सेक्शंस फिर इसके अंदर जो मिजोगलिया है दैट द दमीबॉयड सेल्स अब एक्सटर्नली एंथोजोआ जो हैं दे यूजली शो द परफेक्ट रेडियल समिट्री और इसके अंदर इंटरनली इसमें मिज एंट्रीज या दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं दे नॉर्मली कन्वे द बाई रेडियल सिमिट्री टू द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास सी एनिमोन सोलेट्री हैं और दे आर क्वाइट कलरफुल एनिमल्स कुछ जो हैं ये फ्री फ्लोटिंग होंगे और कुछ जो हैं नॉर्मली दे आर अटैच टू अ सॉलिड सरफेस या हम कह सकते हैं दे आर अटैच टू सॉलिड सब्सट्रेट कुछ जो हैं दे बरो सॉफ्ट सबस्ट्रेट्स और कुछ एनिमल्स दे विल हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पॉलिप जो हैं ये अटैच करेंगे सबस्ट्रेट के साथ विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पीडल डिस्क और इसमें औरल डिस्क के अंदर है माउथ और औरल टेंटिकल्स फिर माउथ के गिर्द एक और स्लिट लाइक अपर्चर है जिसको हम कहेंगे साइफोग्लिफ ये सिलिएटेड ट्रैक्ट है जो कि वाटर को गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मूवमेंट में हेल्प करेगी मेजेंट्रीज जो हैं मेम्ब्रेंस दे आर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स कुछ जो हैं दे अटैच विद द बॉडी वॉल एट देयर आउटर मार्जिन फेरिंग्स के साथ फिर अटैच होंगी ऑन द इनर मार्जिन दिस इज़ आर टाइप ऑफ सी एनिमून यहाँ पे आप देखें औरल टेंटिकल्स औरल टेंटिकल्स दे लीड टू द माउथ माउथ इज़ प्रेजेंट एट द औरल डिस्क फिर है इसके अंदर ओपनिंग फॉर वाटर सर्कुलेशन थ्रू मिजेंट्रीज माउथ विल लीड इन टू फेरेंगस फेरें यहाँ पर मिजेंट्रीज हैं गोनेड्स हैं गेस्ट्रोवेस्कुलर कैटी आप देखें यहाँ पर इसकी पार्टीशन हैं मिजेंटेरियल फिलाेंट्स हैं एक्नो एकॉन्टिया मौजूद है पैडल डेस्क मौजूद है तो वो तमाम प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया दे आर ऑल क्वाइट एविडेंट इन दिस डायग्राम फिर मिजेंट्रीज़ अगर हम देखें कुछ मिजेंट्रीज़ जो हैं वो अटैच हैं और कुछ मिजेंट्रीज़ जो हैं दे आर फ्ली अलॉन्ग देयर एंटायर इनर मार्जन फिर मिजेंट्रीज़ की ओपन open, ओपनिंग्स जो हैं दे आर नियर द ओरल डिस्क अब दे जो है, दे विल परमिट द वाटर एंट्रस इन टू द बॉडी और जो इसके फ्री लोअर एज है मिजेंट्रीज के ये नॉर्मली बनाए जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे फिलामेंट्स अब मिजेंटेरियल फिलामेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे क्नाइडोसाइट्स सिलिया मौजूद होंगे सिलिया बीटिक बीट करेंगे वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे फिर कुछ ग्लैंड्स हैं जो के एंडज़ाइम्स uh, क्रिएट करेंगे ये एंजाइम्स फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर एट द एंड ऑफ मेजेंट्रियल फिलामेंट्स उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम करेंगे एक जो है नॉर्मली दे बियर सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड नाइडोसाइट्स अब एकशिया जो लाइव प्रे होगा उसको अंदर ले जाएंगे गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और यहाँ से बॉडी वॉल में और जब एक सी एनिमून एनिमल जो है जब इसको थ्रेटन फील्ड होगा तो जो इसका प्रे है दैट कैन आल्सो बी एक्सक्रूडेड आउट ऑफ द बॉडी कि वो बॉडी से बाहर भी जा सकता है फिर इसमें गैस्ट्रोडर्मल कैविटी में मसल्स मौजूद हैं मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे और जो इसके अंदर नॉर्मली मसल्स हैं दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सर्कुलर मसल्स भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मौजूद हैं जब भी एनिमल सी एनिमुल के एनिमल्स थ्रेटन फीड करेंगे तो लॉन्गी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे लॉन्गी मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो जो इंटरनल वाटर होगा दिस विल मूव आउट ऑफ बॉडी थ्रू द माउथ अब इस एक्शन से क्या होगा कि एनिमल्स जो हैं कोलेप्स होने से बच जाएंगे अब आ, जो इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम अब हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम जो है ये इस तरह का है कि जब वाटर एंटर होगा तो ये बॉडी का साइज़ अपनी इसकी ओरिजिनल शेप मेंटेन हो जाएगी और जब वाटर बाहर चला जाएगा तो ये एनिमल जो है स्क्विंट कर जाएगा अब सी एनिमल सी एनिमोस जो हैं इनके अंदर इतनी ज़्यादा लोकोमोशन नहीं होती ये यूजली ग्लाइड विद द हेल्प ऑफ देयर पेडल डिस्क

वो इसके अंदर माउथ को ओपन करने में हेल्प करते हैं तो इनके अंदर क्लास एंथोजोआ के अंदर सी एनिमोल्स जो हैं दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट कलरफुल एनिमल्स एंड दे गिव इट अ गुड रिप्रेजेंटेशन इनटू द कोस्टल वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड